Assalamualaikum. Welcome to my another video. This is Tajda Haider. You are watching my YouTube channel. So hopefully you are doing great. And today I'm here to share with you the golden opportunity to visit abroad. That is fellowship program is fully funded for you if you are interested to go abroad. Okay. So first of all, I want to tell you that if you're new at my YouTube channel, so don't forget to subscribe my YouTube channel and click on bell icon button to get such scholarship, fellowship, and research programs updates. Okay, so if you are looking any kind of help and consultancy, join our WhatsApp group and channel. Links are given in description, and feel free to contact us at any time. And now I'm going to share with you the golden opportunity that is the Young Fellowship Program. First of all, you have to search this UN Fellowship Program Bali or Young Professional Fellowship Program. You have to click on that link. Okay, you will find this one. ये इस फेलोशिप प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ें. उसके बाद ये कुछ प्रोग्राम्स पहले हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं. उसके बाद ये बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल फेलोशिप बाली प्रोग्राम, कौन से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे कि फुली फुली फंडेड 15 सीट्स हैं, 25 पार्शल सीट्स हैं एंड 5 पार्शल फंडेड सीट्स फॉर सोशल मीडिया कंपेनर्स, वो लोग जो कंपेन्स चलाते हैं सोशल मीडिया पर. सो 5 सीटें उनके लिए हैं, 25 सीटें पार्शल फंडेड, यानी कि उनको 50% या फिर 75% फंड करेंगे, या फिर 15 सीट्स वो हैं जो फुली फंडेड हैं. तो आप भी अप्लाई करें इस तरीके से कि आप इससे इसमें फुली फंडेड जो ना ज्वाइन कर सकें. उसके बाद एयर फेयर टिकट फॉर फुली फंडेड ओनली, और अकोमोडेशन फॉर फुली एंड पार्शली दोनों के लिए है. वीज़ा असिस्टेंस, इन्विटेशन, ये चीज़ें सबको मिलेंगी. उसके बाद ये शॉर्ट टॉपिक्स, किस टॉपिक्स पर ये बात करेंगे और किस ये टॉपिक्स फॉर एट यंग प्रोफेशनल फेलोशिप प्रोग्राम बाली इन 2024. सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें जिन पे ये डिस्कशंस होगी ये 3 दिन में. उसके बाद आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल. ओके, टाइम लाइन टू रिमेंबर, डेडलाइन इज 25 अप्रैल. दिस मंथ 25 अप्रैल इज लास्ट डेट फॉर अप्लाई. सो गेट रेडी एंड अप्लाई टूडे एज सुन एज पॉसिबल. रिजल्ट डिक्लेरेशन 13 अप्रैल. 30 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सॉरी इफ यू आर सेलेक्टेड आर नॉट. डेडलाइन टू कन्फर्म पार्टिसिपेशन मई 5 मई को आपको जो ना डेडलाइन है इसकी. उसके बाद ये प्रोग्राम 25 मई से 28 जून तक ये प्रोग्राम होगा. कहाँ पर होगा? बाली, इंडोनेशिया में. ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी, इफ़ यू नॉट जस्ट क्लिक ऑन नो एंड देन डू यू एग्री टू द अबोव गिवन टर्म्स. यस, इफ़ यस ही, डेफिनेटली यस ही करना है. उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आप इस ऑप्शन प्रोफेशनल सॉरी पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पे आ जाएंगे. वहाँ से आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिए. इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूँ, कौन सी लैंग्वेज में बोलता हूँ, ये सारी. मैं कहाँ से डिपार्चर एयरपोर्ट, यानी कि मैं कहाँ से इंडोनेशिया के लिए रवाना होगा, तो मैं कराची से होऊंगा. मुझे कहाँ से पता चला? सोशल मीडिया से पता चला. उस तरह आप यहाँ से अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, यहाँ पर दिए 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बेस पर आपको ये सेलेक्ट करेंगे, फुली फंडेड प्रोग्राम मिलेगा. तो अगर आप इफ़ यू वांट टू गेट दिस फुली फंडेड प्रोग्राम, सो राइट दिस केयरफुली. ओके, सो फोकस ऑन द क्वेश्चंस टू राइट दिस आंसर. ये आंसर लिखने के लिए आप सवाल पर थोड़ा फोकस करें, उसको समझें क्या कहना चाहता है. उसके बाद ये सवाल लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें. इसका मतलब ये कि आपकी कौन सी सोशल या एजुकेशनल
अचीवमेंट्स हैं, पर्सनल कैरेक्टर्स आपके कौन से हैं, इस तरह। इट मीन्स कि ये आपके बारे में पूछ रहा है कि आप टेल्स अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में उन्हें बताएं कि आप क्या हैं, क्योंकि वो कहीं और बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आपकी उनसे जो है ना कम्युनिकेशन हो रही है वो थ्रू वर्ड्स हो रही है, थ्रू रिटन कम्युनिकेशन। सो इसीलिए आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव वर्ड्स लिखने हैं, इस तरह के वो पढ़ें तो समझें कि यू आर फिट फॉर दिस प्रोग्राम। ओके, देन ये वुज थ्री मेजर एस्पेक्ट्स अबाउट दिस प्रोग्राम, बाली इनक्रेडिट यू पार्टिसिपेट। यहाँ पर ये कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, इनमें से आपको बताना होगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं, कौन से प्रोग्राम में हैं, क्यों हैं, क्या बेनिफिट होगा, आपने इन प्रोग्राम में क्या कंट्रीब्यूट किया है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। उसके बाद ये हाउ कुड यू पोटेंशियली यूटिलाइज दिस MAPS एट द यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम बाली 2024 फॉर द एडवांटेज योर कम्युनिटी फर्दर। आप इस प्रोग्राम से सीख कर अपनी कम्युनिटी को फर्दर क्या सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को क्या फवायद दे सकते हैं, या क्या फवायद हो सकते हैं, उनके एडवांटेजेस लिखें, उन कैसे करोगे, ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये मैक्सिमम तीनों सवाल के साथ, तीनों क्वेश्चंस के जो ना मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट है वो 300 है, तो आप 300 के अंडर ये सारी चीज़ें लिखेंगे हर सवाल। इस तरह आप यहाँ से फिर आ जाएंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आप पेमेंट सबमिशन पर आ जाएंगे। यहाँ से अपने पेमेंट की सारी डिटेल लगाकर यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। इसकी जो फीस है वो $30 है, नॉन रिफंडेबल। आप ये फीस आपको डेफिनेटली पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फर्स्ट फीस है टू इंटर इन द प्रोग्राम टू सेंड एप्लीकेशन, तो इसीलिए आप इसमें ये $30 सॉरी $31 टोटल होंगे, तो आप ये पे करें और इंशाल्लाह आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप, फेलोशिप प्रोग्राम और रिसर्च प्रोग्राम आपके बारे में जो ना वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही मैं अगली वीडियो किसी स्कॉलरशिप पर अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसमें सबसे पहले अप्लाई करने के लिए एबल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।